गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो फ्रॉम दुबई। तो सबसे पहले अपन लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया था, तो वो आज दोबारा दिखाया नहीं है। मोनू आज थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड है अपने लुक से, तो थोड़ा सा आज मैनेज कर लो गाइस, कल देखेंगे। कल अच्छा है, कल हमारा डिपार्चर भी होने वाला है यहाँ से, और दिल्ली में अराइवल हो जाएगा, फिर देखते कहाँ जाने को है घूमने। बाकी आज का प्लान कुछ ऐसा है, पहले हम जा रहे हैं कैसर भाई के साथ दुबई फ्रेम, दुबई फ्रेम के बाद कैसर भाई हमको लेके जाएंगे फ्यूचर म्यूज़ियम, और उसके बाद थोड़ा टाइम बचेगा तो मीना बाज़ार जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, दिरहम दिरहम में से खर्च करने को अपने। ऐसे कैसर भाई ऐसे शू हबीबी क्यों बोलते हैं किसी को? शू हबीबी, हबीबी का क्या मतलब है? हबीबी का मतलब है डार्लिंग। ओके, शू का मतलब है क्या है? जैसे हम बोलते हैं क्या है शू बाबा, क्या है डार्लिंग, शू हबीबी। तो भाई हम लोग पहुंच गए हैं अब दुबई फ्रेम, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, इसको कहते हैं दुबई फ्रेम, ये देख लीजिए भाई। पुनः हट, दुबई फ्रेम दिखा दे। तो गाइस ये है दुबई फ्रेम, इसके अंदर बहुत तगड़ी सी बिल्डिंग है, और यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ से नीचे आएंगे, ऐसे कुछ रास्ता है। बाकी चल गाइस अंदर चलते हैं, अंदर चल के दिखा दो क्या क्या है। तो बेसिकली अगर ओवरव्यू पकड़े तो दुबई फ्रेम में ऐसे सोचो कि एक तरफ से जो चढ़ने वाला रास्ता है वो रास्ता है, उसमें ये दिखाया जाता है कि दुबई एक्चुअली में कैसा था पहले, और जब दूसरी तरफ से आते जाते हैं तो आगे आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा दिखता है कि दुबई कैसा हो गया और आगे कैसा होने वाला है। अगर आपको दिख रहा है गाइस तो ये ना बीच में कांच का फ्लोर है जिसपे आप चल सकते हो। तो मोन कैसा लग रहा है आपको इतना ज़्यादा दुबई घूम के, मज़ा आ रही है आपको? शू हबीबी व्हाट हैपेंड माय डार्लिंग, अरे वार्लिंग वार्लिंग खत्म हो गया वार्लिंग वार्लिंग हाँ मेरा तो है, तेरा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट द बिगेस्ट फ्रेम्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। भाई यहाँ पे खड़े होके कितना ऐसे यहाँ पे खड़े होके कितना छोटा सा फील हो रहा है ना है। चलो गाइस फाइनली हम लोग जा रहे हैं, ये देख लो ये ऐसा एंट्रेंस है, ये ऊपर पूरा दुबई फ्रेम, और ये इसका एंट्रेंस है ऐसे, ऐसा लग रहा है पूरा गोल्ड प्लेटेड है, देख लो पूरा गोल्ड प्लेटेड ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो द फैक्ट, बट मेरे को ऐसा लग रहा है 18 कैरेट गोल्ड है। आई डोंट नो, नॉट ऑन दीज, ऑन द हॉर्सेस। पर भाई एक चीज़ ना हमको ऐसे लगी है कि आप चाहे पैसे को ना आप टिकट में इंक्लूड कर लो, जो ये फोटोज क्लिकिंग के पैसे हैं ना, और ये अलग से देते रहे अलग से चुपके। और ये देखो क्या बना हुआ है, दिस इज अ स्मोक फ्रेम। हाँ इसी में जाना, चलो जाओ 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 हम आगे गए उधर, पुन्नु आने दिए पुन्नु, कम कुछ नहीं दिख रहा है भाई। अच्छा दिस टेकिंग अस टू द टॉप, चलो ऊपर। Hello, welcome dear guests. Welcome to the present zone. Please proceed forward. Walk on a glass, but no sitting nor running, no jumping. Oh shit! Oh shit! बहुत मजा आ रहा है। बोलू बंजी जंपिंग भी इसमें करी है हमने, मेरे को उसकी ग्रील और बना रही है। तो गाइस ये देख लो यहाँ पूरा ऐसे, यहाँ पे पूरा दुबई दिखेगा पूरा, उधर आप देखोगे तो बुर्ज खलीफा सब चीज़ पूरा डाउनटाउन एरिया, और
अगर मैं लेके चलूँ इधर ग्लास फ्लोर के ऊपर से जिसमें जाने में बहुत डर लग रहा है भाई, ठीक है। इधर ये पूरा इधर बड़ दुबई है, अरे दिख जा, एयरपोर्ट उधर है और बहुत ही सॉलिड सॉलिड पिलर से बनाया हुआ है। जीजू अपना लगे हुए हैं ये फोटो वोटो सेव करने में, हमने बढ़िया दो चार रील बना लिए। मैं मोनू कैसे लगा तुमको? अच्छा लगा। पहले क्या क्या समझ आया यहाँ पे कि दुबई पहले कैसे था और कैसे कैसे डेवलपमेंट? तुमको बताए वो नीचे क्या है ये गोले गोले? ये नीचे जो ये गोले गोले है ना, ये प्लैनेट है, ये अलग है, ये अलग है भाई। अगर यहाँ पे अगर आ रहे हो दुबई में तो दुबई फ्रेम बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि भाई इससे अच्छा व्यू बुर्ज खलीफा के बाद दुबई में और कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना है। थोड़ा पे चलते नीचे नीचे, और ये देख लो इधर 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 इधर, ये देख लो ये ऐसे फोटोज होती है। ओके सॉरी भाई, इसकी वीडियो ले नहीं देंगे, और ये वीडियो ये फोटो फ्रेम, और ये 175 दिरहम का अगर आपको लेना है तो 175 का एक साथ लेना पड़ेगा, तो 175 कितना हो गया 350 रुपये की फ़ोटो था भाई। गाइस ये हमने पता किया 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है, ले सकते हो खुरच सकते हो, उसके लिए आपको फाइन देना पड़ेगा। और भाई गर्मी आ गई है, धूप हो गई है बहुत तेज, आँख भी ना खुल रही। इस तरफ से देख लो भाई, ये देख लो, अभी एक बच्ची थी वो झूल रही थी, उस बच्ची को हटा के ना ज़बरदस्ती, उस बच्ची को ज़बरदस्ती हटा के अपने इसने फिर झूला पकड़ लिया है, पता नहीं कैसे भगाई है इसने वो बच्ची। मैं बोलूँ कैसे भगाई है, आंख लाइन में खड़ी हो गई थी मैं। Calling your name but only feel the cold. I sense the change in energy. All of my fuels is blown. The fire burns inside. भाई हम लोग आ गए हैं फ्यूचर म्यूजियम, इसको बोलते हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पे ऐसे हाथ लगा हुआ है और ये ऊपर पूरी बिल्डिंग है। और भाई दुबई में आ रहे हो तो अपना पानी ज़रूर लेके कैरी करना, ये बॉटल जो है 5 या 6 दिरहम की मिलेगी, और कोई भी सुपरमार्केट से लोगे तो 50.5 दिरहम या 1 दिरहम की मिल जाएगी 2 लीटर की बोतल, तो ध्यान रखना इस बात का। बाकी अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। स्लॉट तो हमारा बात का है, लेकिन भाई देखो अगर पहले स्लॉट मिल जाता है तो लेट्स गो सिक्योरिटी। ये देख लो गाइस, ये है फ्यूचर म्यूजियम। मोनू ये देख कैच उड़ रहा है, मोनू क्या उड़ रहा है? मोनू इधर आ, मोनू क्या है? Guys, this is the game of the future, Bono. Yeah. You should know. This is how the game begins. ये देख लो गाइस, ये कैसे उड़ रही है, इसके कुछ कुछ अटैच नहीं है लेकिन ये उड़े जा रही है। नहीं Bono, इसके देख, इसके ना आगे भी पंखे लगे हुए हैं, और इसके आगे जो है वो चोंच जो है वो इसका स्टीयरिंग है, और पीछे भी पंखे लगे हुए हैं, और ये उड़ने का काम कर रहे हैं, ये हावरिंग के लिए है। ये पूरा वो है जैसे ड्रोन होता है ना, AI कंट्रोल्ड है ये पूरा। और लिफ्ट देख लो गाइस, लिफ्ट के नहीं बोलो ऐसे नहीं, क्या लगता है आपको, क्या समझते हो आप ये इसके अंदर ड्रोन तो नहीं बिठा रखा आपने? ड्रोन बिठा रखा हमारा मन ही लिया है भाई टिकट,
है मनी, ये फ्यूचर से प्रेजेंट में आने के लिए है। ये भाई ये बैंड आ गए हैं, अपना बैंड पहन लो। 11:30 हुए हैं, आपका स्लॉट 1 बजे का है, तो आप 12 बजे लाइन में लगे। अब तक जो चिड़िया भैया मेरे आदमी को कहाँ आ रहा भाई। फ्यूचर म्यूजियम में ये पता लगता है कि दुबई में जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं वो कैसी जो आने वाली है। Assalamu alaikum. Greetings everyone. My name is Aya. I'm a digital resident of the Museum of the Future. Welcome to my home. Like everything you see here, I was envisioned by the Dubai Future Foundation and brought to life by storytellers, visionary technologists, and artists from around the world. My intelligence infuses this building, empowers every exhibit it holds. As you voyage to the future, I will be your guide. The worlds that you will encounter are not predictions, they are challenges. Your task is to explore and return with discoveries that can help the present. My intelligence can take in many forms, from light to sound. You'll find me most often as my avatar. Isn't she cute? Your journey begins in a very special place and time, Hamad bin Rashid Spaceport, February 2071. The launch is about to start. Follow me. So this puts it all the way to the back. आ सकते हो, चैप्टर 3 पे आ गए हम। अंदर अंधेरा होता है तो भाई फ़ोन का फुटेज बढ़िया है। वेलकम टू अलबाहा। ये वो सारी चीज़ें हैं जो पहले ये लोग ट्रेडिंग करते थे, ये वो सारी चीज़ें। हाँ, ये दाल चीनी है, जो गूंद है, ये मिश्री है, ये नींबू है, ये सूखे हुए नींबू है। यू लाइक इट मोनू? ये राइस है। Hey, Monu, you like it? Monu, guys, for some reasons, I don't know, उदास है थोड़ा सा आज, तो थोड़ा bear कर लो हमारे साथ, है ना Monu?
के अभी जाएंगे द हील इंस्टीट्यूट, जिसमें लोग बताएंगे कि भैया ना माइंड बॉडी एंड सोल को कैसे हील करें अगर तुमको कोई समस्या आ गई है। बोलो अब देखो वहाँ पर जाएंगे। ये जो बिल्डिंग है ये ऐसा है, नीचे और नीचे एक गाड़ी भी खड़ी है बड़ी बड़ी। थैंक यू। Hello pioneers, welcome to the library. In here we have approximately 2,400 genetic codes collected from different species all over the world. तो भाई ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट हैं जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड से कलेक्टेड है, और अगर कुछ भी कहीं पे कुछ हो जाता है तो यहाँ से ले सकते हैं फॉर दी फ्यूचर। तो ऐसा कुछ है, बाकी देख लो भाई मस्त ही चीज़ है। इसमें कलर भी चेंज होता है बहुत सही से, और ऐसे सब नीचे लिखा हुआ है। तो दिस इज जिम्नोस्पर्म, दिस इज फेरी लिम्फोसाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख ली हैं, मतलब मेरे को नहीं पता कैसे कैमरे में ये सब चीज़ कैप्चर करनी है, लेकिन भाई एक बार दुबई आके फ्यूचर म्यूजियम देखना चाहिए आप लोगों को। और ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये फ्यूचर हीलिंग, मतलब आपका बॉडी माइंड सोल सब कुछ के लिए बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये वो जगह है वो जो ऐसे दिखाया था ना पहले सामने वाली बिल्डिंग में से, तो ये उसकी छत है। अब इसके अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर बढ़िया बढ़िया एक गाड़ी खड़ी है, ड्रोन खड़ा है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में कि क्या इलेक्ट्रिक फ्यूचर है ये देख लो। सबसे वारी अपनी ऑडी क्वात्रो ई-ट्रॉन एकदम ही फ्यूचरिस्टिक लाइन्स के साथ। ये क्या बोलते हैं, ये है आपके ड्राइवरलेस पॉड जिसके स्पेशल ट्रैक्स होंगे और ये उनसे चलेंगे। और ये जो आप देख रहे हो ये ड्रोन डिलीवरीज है, मतलब ये मैनलेस डिलीवरीज के लिए है। और ये ऐसे साइबर डॉग है जो कि आपको गार्ड घर को गार्ड कर सकते हैं साइबर डॉग से, और पूरा AI पे फंक्शन करता है। ये ऐसे ही बायोनिक सॉफ्ट हैंड है, बायोनिक आर्म है, उसको सर्वेलेंस वगैरह और भाई प्लांट लॉन्च हो गए। और ये किसको नहीं पता, ये अगर किसी ने उड़ी देखी है तो ये उड़ी में गई थी रोबोट। हाँ ये तो मारा है, ये तो मारा है उड़ी में यूज़ कर रखा है वाला। तो मोनू आ गया, मोनू तो पूछूंगा, मोनू आउटडेटेड है एकदम। ये बता क्या है ये कहाँ देखा था इसको लास्ट टाइम? हमने कल परसों देखा था। उरी की पिक्चर नहीं देखी थी तुमने? उरी नहीं देखी?
रोल भाई, ये तो व्लॉग पे कोपट होगा हमारा। तो ये उरी मूवी के अंदर यूज हुआ था ड्रोन, है इसको ड्रोन की तरह यूज कर सकते हैं, उरी मूवी में यूज होता है ना, उरी वालों ने हिट लिया हो। हाँ ये भी हो सकता है गाइस कि मेरा उरी वालों ने हिट लिया हो, ड्रोन का कांसेप्ट लिया हो। ये है बायोमेट्रिक फुटवेयर है, इस पर जो ये लगी है ना, ये पूरे बायोमेट्रिक फुटवेयर है। और ये मेटल जैकेट है, मेटल जैकेट, और इसके हाथ पे ये जो हाथ पे सेंसर आप देख रहे हो, इसको पेमेंट सेंसर बोलते हैं। और ये देख लो बायोनिक प्रिंटेड ऑर्गन्स भाई, तुम्हें पता है वॉशरूम इतना मस्त था, तो फ्यूचर में ना उसे टच करा शाउट, और ना जो सोप के लिए ना बड़ा बढ़िया है, अच्छी बात है। बताओ टॉयलेट में फ्यूचर दिख रहा है। ये देख लो गाइस, ये है फ्यूचर परफ्यूमरी। अगर आपको आगे जाके कोई फ्यूचर में परफ्यूम का कोई भी स्मेल बनाना है कस्टमाइज, तो सब अपना कस्टमाइज करा सकते हो, ऐसे मशीन है। मैं बोलूँ मस्त है, कोई भी स्मेल सुखा दो और अपना बनवा लो, किसा है बढ़ा देगा नहीं बनेगा तो फिर चलो सोने की। चलो गाइस अब निकलते हैं बाहर यहाँ से, काशिप भाई तो भाई हम लोग आ गए गोल्ड सूप में, गोल्ड सूप में सबसे पहले घुसे हैं लोग मालाबार गोल्ड में। हम देखते हैं कुछ पसंद आता है यहाँ पे, तो कोशिश करेंगे यार कुछ लेके जाएं, क्योंकि भाई गोल्ड की प्योरिटी दुबई में बहुत ज़्यादा, ऐसे बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा प्योर जो गोल्ड होता है दुबई में होता है। 18 बोलो तो 18, 22 बोलो तो 22, और 24 बोलो तो 24। तो भाई अपना सोना हो गया परचेज़, और बड़ी मुशक्क़तों के बाद कैश वैश निकालने के बाद हमको ये पता चला है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सोना है। बाकी भाई नियो ग्लोबल जिंदाबाद, अगली बार ये स्पॉन्सर कर दे प्लीज़ मेरे को भाई। 10 मिनट में ड्राइवर आ जाएगा। तो पुनः इतना सोना लेके तेरे को कैसा लग रहा है भाई? मेरे मनी ने दिलाया है मेरे को 5 फिर ये इस पर टैग क्यों लग रहा है? टैग तो उतरवा ले। तो ये मैंने पसंद कर लिया भैया, अभी हटा देंगे ना। क्या भैया ये सच बोल रहे हैं? बराबर है, ले लिया, झूठ थोड़ा बोलते हैं। अरे ले, अरे ले तो लिया, इसने ले के जाएंगे कैसे? सब अपने अपने में पहनेंगे। चल मनी। तो भाई हम आ गए हैं मीना बाजार, मीना बाजार में है कराची, कराची दरबार रेस्टोरेंट, चटपटा खाने आए कुछ। चलो भाई खाना वाना देखते हैं, खाना मंगाते हैं कुछ बढ़िया सा, उसके बाद खा के निकलेंगे, फिर निकलेंगे, फिर रास्ते में बात करते जाएगा। चलो गाइस खाना वाना हमारा हो गया, अब थोड़ा मीना बाज़ार घूम लेते हैं। मीना बाज़ार घूमने के बाद जाएंगे अपना पैदल पैदल होटल। तो भाई मिल जाए यार, बस कैसे ना कैसे करके बस मिल जाए यार। चलो देख के मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चल रहे कहीं ना कहीं जाएंगे। तंदूरा लेना अपने को, तंदूरा और इलेक्ट्रॉनिक्स भी देखते हैं। मोनू अगर कोई फ़ोन चाहिए तो फ़ोन भी दिलाएंगे मोनू आज। चल मोनू फ़ोन कर ले पसंद, किचन देख दे हैं, ले ले आईफोन ले ले। तो गाइस यही वो मीना बाज़ार की मार्केट है जहाँ पे दुबई से बोलते हैं ना आईफोन 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 लेके आओ, आईफोन लेके आओ, तो यही वो मार्केट है पूरी। ये आ गया पूरा वीवो का, zoom.com, watch and talk, MI, यहाँ पे सब फोन ही फोन फोन ही फोन। एक बार देखते हैं घुस के, अगर मोनू को पसंद आता है फ़ोन तो फ़ोन लेंगे, नहीं तो फिर कह रही है अभी पहले सबके लिए ले लेते हैं जिनके लिए लेना है, उसके बाद देखते हैं। मोनू यही कह रहा है कि पहले जिनके लिए सामान लेने ले लेते हैं, उसके बाद हम खरीदेंगे। तो अभी सामान बचा क्या है भाई? चलो एक बार मेरे को गिम्बल भी लेना है, गिम्बल देखते हैं मिलता है कि नहीं, मिलता है तो बताता हूँ। तो भाई दो तीन जगह से पता करने के बाद हमको गिम्बल मिल गया है, तो ये गिम्बल का क्या प्राइस है ये भी बता दूँगा, और कहाँ से मैंने लिया है वो भी बता दूँगा। एक बार बिल निकला है, अब आएंगी 500 रील, और अगर भाई अगर रील बढ़िया नहीं आई तो इसकी गलती है। देखिए